जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूँ आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं, आपके एग्जाम डेट क्लियर हो गए हैं, हो सकता है तो आपका एग्जाम डेट बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। फॉर्म दबा के फिलअप होंगे, साइट भी कभी कभी हैक करेगा, हैंग करेगा, आपको कभी कभी साइट पर प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एज में जो रिलेक्शन मिला है तो बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अब बात रहेगी, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो अभी क्या करें, आप अपनी तैयारी कैसे करें, तो आप अपनी तैयारी देखिए, आपके पास 45 से 50 दिन, 45 से समथिंग 50 डेज आपके पास बचे हैं। अगर आपको समय अगर एग्जाम का नहीं बढ़ा तो अब इसमें आपको जो भी तैयारी करना है तो उसमें आप कोई भी कोर्स ना खरीदे, आपको कोई भी 40 दिन से 50 दिन में कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता है जीरो से, तो कोर्स के चक्कर में ना पड़े। आप जो भी 4-5 बुके होते हैं बुक उठाइए, क्योंकि आप कोर्स करेंगे आपके 1 से 2 घंटा या 3 घंटा बर्बाद जाएंगे उस कोर्स के चक्कर में। आप उस कोर्स के टाइम को आप ऑफलाइन आप जाइए यूट्यूब पे, बहुत से ऐसे क्लास पड़े हैं, बहुत से टीचर हैं जो आपको तैयारी करा रहे हैं, फिर कोर्स लेने से क्या फ़ायदा। हर कोई यूट्यूब पे आया है और है कोई का यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन से, और आपको निःशुल्क आपको कोर्स के नाम पे जो भी क्लास करा रहे हैं आपके, जिसमें भी आप वीक हैं, आप जिसमें भी वीक हैं, रीजनिंग में हैं, जीके जीएस में हैं, मैथ में हैं, हिंदी में हैं, जिसमें भी अगर आप वीक हैं उसके वीडियो उठाइए, और आप लाइव क्लास नहीं, जो भी वीडियो डला हुआ है उसको आप स्क्रॉल करके जो भी आपको समझ में आता है उसको स्क्रॉल कर दीजिए, भगा के वहां से देख लीजिए जो नहीं आता है। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिए, आपका जो भी बुक है उससे तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट जितने भी बुक में आते हैं आप डेली प्रैक्टिस सेट पे सेट बनाइए, आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा कि हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है एक अगर सेट में, अगर आपका 150 क्वेश्चन है, अगर आप 150 क्वेश्चन में अगर 80 नंबर लेके आते हैं, 70 नंबर लेके आते हैं, यानी 2 नंबर का हम 1 नंबर के लेके चल रहे हैं, अगर आपका 300 हो रहा है तो सपोर्टेड आप 200 नंबर लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि आप 250 नंबर लेकर, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर ला सकते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट बुक के साथ दिया जाता है, तो आप कोर्स के चक्कर में ना पड़े, आप अपना ऑफलाइन और बुक से तैयारी करते रहे, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बस एक यही छोटी सी जानकारी देनी थी, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाकी आपका जो भी क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।